सो फाइनली आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास जो आपके हॉस्टल वार्डन एसआई भर्ती जितने भी एग्ज़ाम होगा आने वाला, चाहे आप पीएससी या एसएससी जितने भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपका छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन लाया हूँ वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूँ टेस्ट के रूप में। टोटल हम देखेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपका सीजीपीएससी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया समझो मध्यकालीन इतिहास है, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है। साथ ही आप सभी को एक बार और बता देना चाहता हूँ कि हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या फिर हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं उन युवाओं के लिए ये बेस्ट क्लास है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया समझो दोबारा कोई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ इतने भी विगत वर्षों से आया हुआ प्रश्न है और यह क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है। तो आप सभी जो लोग हॉस्टल वार्डन या फिर एसआई भर्ती या फिर सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। डेली क्लासेस करने के लिए ये लास्ट चांस है आप सभी के लिए, ठीक है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जब भी मैं ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। साथ ही आप सभी के लिए एक और अच्छी गुड न्यूज़ है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, मैं आप सभी को गुड न्यूज़ बताने वाला हूँ। यह वन लाइनर क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं 90% गारंटी देता हूँ, ठीक है। 90% अगर यह क्वेश्चन आपको रिलेटिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा तो वीडियो बनाना मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, वीडियो नहीं बनाऊंगा दोबारा मैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको रट लें, ठीक है, रट लें क्वेश्चन को। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पीएससी व्यापम एसआई भर्ती हॉस्टल वार्डन में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। नहीं आएगा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा दोबारा, नहीं बनाऊँगा मैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। कल के हमने क्लास देखा था पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो, ये आपका पार्ट थ्री वीडियो है, अति महत्वपूर्ण है। एक ही वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास किस राजवंश से शुरू होता है? तो जो छत्तीसगढ़ का जो मध्यकालीन इतिहास है आपका कलचुरी राजवंश से शुरू होता है, ठीक है। ये आपका सीजीपीएससी प्री 2017 में आया हुआ प्रश्न है। किस राजा ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की नींव रखी है? तो आपका कलिंग राज, ठीक है, कौन सा है? कलिंग राज। मैं देखिए आप सभी को वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसको पक्का रट ले दोस्तों, पक्का रट ले, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। किस राजा ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की नींव रखी यानी कि सत्ता रखी? तो आपका कलिंग राज है, ठीक है। इसके बाद है आपका कलिंग राज ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो कलिंग राज ने अपनी राजधानी तुम्मान ने बनाया, ठीक है, तुम्मान, ये आपका तुम्मान आ जाएगा, ये मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर रा आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसा लिखते हैं तुम्मान, ठीक है। जो कलिंग राज ने अपनी राजधानी किसे बनाया है? तो मार को बनाया है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी तुम्मान है। यह आपका सीजीपीएससी और एबीओ और एडीओ के क्वेश्चन में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। साथ ही ये 2018 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। किस कलचुरी राजा का जो वर्णन है अलबुरुनी ने किया था? ये आपका कलिंग राज आएगा, ठीक है। मैं आपको क्या करा रहा हूँ? मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास से ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार करा रहा हूँ और ये लास्ट वीडियो है। ये एक ही वीडियो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तभी उसको चैनल दोबारा दिखेगा, ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो दोबारा आपको नहीं दिखने वाली, इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। जितने बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे उसी को कल से मैं नोटिफिकेशन भेजने वाला हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करेगा उसको नहीं भेजूंगा, सिर्फ मैं लाइक मांग रहा हूँ, बिल्कुल फ्री क्लास है ना, कोई पैसा आपको नहीं दिया जा रहा है, बस जितना जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। चलिए
इसके बाद देखेंगे कि किस कलचुरी राजा ने महिषासुर मर्दनी के मंदिर का निर्माण कराया है। तो ये आपका कलिंग राज जो है महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण करवाया है। किसे कलचुरी राजा ने उत्कल अभियान के लिए सहायता की थी? तो ये कमल राज CGPSC 2019 में पूछा है, ठीक है। किसे कलचुरी राजा ने उत्कल अभियान के लिए, इसको नोट कीजिएगा या फिर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका PDF आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं डेली क्लासेस के लिए, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कलचुरी राजा ने रतनपुर नगर बसाया था? तो जो रतनपुर है अपना रत्नदेव, ठीक है, कौन से कलचुरी राजा है? रत्नदेव, जो कि रतनपुर नगर को बसाया था। उसके बाद किस राजा ने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाया था? ये भी रतनदेव है। देखिए कैसे क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है। किस कलचुरी राजा ने रतनपुर नगर को बसाया, और यहाँ पर पूछा गया है किस राजा ने अपनी राजधानी रतनपुर को बसाया, तो CGPSC प्री और SIC और ऑफ में पूछा है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, कहता है कि किस कलचुरी राजा ने रतनपुर में महामाया देवी का मंदिर बनवाया था? ये आपका रत्नदेव आएगा। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ रहा है। CGPSC प्री 2017 प्लस ADO, मैं आप सभी को बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हर बार आता है, इसीलिए मैं यही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चन आपके PSC प्री में और यहाँ पर SI भर्ती और हॉस्टल वार्डन और ADO, ये सभी ये जितने भी एग्जाम होने वाला है ये उनके लिए बेस्ट क्लास है। इसको रट ले, जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं उसको रट ले, बार बार वीडियो को देख ले, ये क्वेश्चन आपको रटना ही पड़ेगा अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है, या फिर वीडियो को डाउनलोड कर लो, ठीक है। वीडियो को क्या करोगे? डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड कर लो। कभी भी अगर एग्ज़ाम दिलाने जाओगे तो एक बार, ठीक है, एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। देखिए महामाया देवी का मंदिर कब बना था? तो ये आपको 11वीं सदी में बना था। कौन सी? 11वीं सदी में आपका महामाया मंदिर बनाया गया था, ठीक है, महामाया मंदिर देवी का, ठीक है। किस कलचुरी राजा ने रतनपुर में अनेकों तालाब का निर्माण करवाया था? तालाब ये भी रत्नदेव ने करवाया था। किसका? तालाबों का, ठीक है। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप बताइएगा मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, ठीक है, यार सभी के लिए क्वेश्चन है। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा कि मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए बहुत लोगों का फटाफट आंसर आना शुरू हो गया है। कितने, चलिए पोलिंग वोट करते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए बहुत लोगों तो आंसर आ ही गया है। अच्छा देखिए बहुत लोगों का आंसर आ रहा है मंदिरों की नगरी। देखिए जितने लोगों का भी आंसर आरंग आया है उनका भी बिल्कुल सही है। ये देखिए 73 लोगों का आंसर आया, 73 लोगों का आंसर आ चुका है। चलिए किस कलचुरी राजा को सकल कौशल द्रुपदी की उपाधि धारण की थी? कितना क्वेश्चन देखिए CGPSC प्री में, DO में, DO का मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट ग्रेड 3 ये भी डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना। मैं टोटल आपको सभी क्वेश्चन लगभग आज मैं कराऊंगा, ठीक है। अब पूरा वीडियो को लास्ट तक देख लेना और रट के चले जाना, ठीक है। ऐसे एग्जाम में आ गया तो आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। ये आपका मध्यकालीन इतिहास करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन अभी एग्जाम में और देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्या है? पृथ्वी देव प्रथम, जो कि सकल कौशलपति की उपाधि धारण की थी। किसने? पृथ्वी देव प्रथम ने। उसी प्रकार किसे कलचुरी राजा को 21,000 ग्रामों को अधिपति कहा जाता है? तो आपका पृथ्वी देव प्रथम है। क्वेश्चन को घुमा घुमा कर वही वही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। किस कलचुरी राजा का जांजगीर नगर बसाया गया है? तो आपका जाजल्य देव प्रथम है, जो कि जांजगीर नगर बसाया गया है, ठीक है, जांजगीर नगर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लासेस के लिए। इसका Part 1 और Part 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइएगा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कलचुरी जो राजा है ओडिशा के राजा भुजबल को हराया था। किसने? जाजल्य देव प्रथम ने। किसे हराया था? भुजबल को हराया था, ठीक है। किसको हराया था? भुजबल को। वो कौन है? आप कमेंट करके बताइएगा, जो भुजबल है वो कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आप सभी को बताया हूँ ना कौन है,
ओडिशा के राजा। देखिए जो लोग क्लास कर रहे हैं फटाफट आंसर दे रहे हैं। किस राजा को गज सरदुल कहा गया है, तो वो भी आपका जाजल्यदेव प्रथम होगा। उसी प्रकार कलचुरी राजा ने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था, ये भी जाजल्यदेव प्रथम है। इसको रट लीजिए दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 90% गारंटी दे रहा हूँ ना भाई, रट लो, है ना। ये पार्ट थ्री वीडियो है और इसके बाद मध्यकालीन इतिहास क्वेश्चन नहीं ला पाऊँगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं व्यापम और पीएससी में अक्सर पूछा गया है ना। ठीक है, हॉस्टल वाड़ाने के लिए भी बेस्ट क्लास है, एसआई भर्ती के लिए भी बेस्ट क्लास है, सब इंस्पेक्टर के लिए भी बेस्ट क्लास है। साथ ही अभी पीएससी जो एग्ज़ाम आया हुआ है, ठीक है, मतलब वैकेंसी निकल कर आई है, कितने पदों पर, 189 पदों पर जो वैकेंसी निकल कर आई है पीएससी प्री के लिए, हाँ, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा आपके छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, तो मैं आपको कराने वाला हूँ छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्लस भारत का सामान्य ज्ञान, दोनों ही क्लासेस में डेली करा रहा हूँ। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं जल्दी जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है, ठीक है। हाँ, मैं आपको सीजी पीएससी और व्यापम की तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो लोग चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो लोग नए स्टूडेंट आए या पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो जाइएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया पूरा प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, तब वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी नहीं लगती तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लास करा रहा हूँ, इसके बाद पैड में टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। अगले हफ्ते से आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, इसके बाद आपका है क्या आएगा, किस कलचुरी राजा चांदी के सबसे छोटे सिक्के चलाए थे। ये पृथ्वीदेव द्वितीय जो है चांदी के सबसे छोटे सिक्के चलाए थे, कौन, द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय जो है सबसे छोटे सिक्के के किसके, चांदी के सिक्के चलाए थे। उसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन आता है, अब किस कलचुरी राजा ने अपनी राजधानी कोसगई स्थानांतरित की थी, ये आपके सी जी पी एस सी एडीए में और एबीओ में और जीओ ऑफ ने आया क्वेश्चन है, बहरेंद्र सहाय, ठीक है, जो कोसगई स्थानांतरित की गई थी। आज आप लोगों ने यह क्वेश्चन पढ़ लिया, समझो मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट कोर्स है ना। कंप्लीट कोर्स का मतलब मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा है कि जितने भी क्वेश्चन आता है मैं लेकर आया हूँ। किस कलचुरी राजा ने कोसगई माता का मंदिर बनवाया, ये आपका बहरेंद्र साय है। उसी प्रकार किस कलचुरी राजा में छत्तीसगढ़ में जमाबंदी शुरुआत की, देखिए सी जी पी एस सी में आया है, सी जी व्यापम में आया है, एडीओ में, डीओ में, एडीओ में, देखिए मतलब बहुत सारे में बार बार एग्जाम में आ रहा है ये क्वेश्चन, इसको रट ले, ये क्वेश्चन रट ले, एग्जाम में आएगा। किस कलचुरी राजा ने, कौन सा कलचुरी राजा है जो छत्तीसगढ़ में जमाबंदी शुरुआत की, तो आपको कल्याण साय, कल्याण साय नोट कीजिएगा, कल्याण साय। आप बताइएगा कि कल्याण साय किस मुगल राजा के समकालीन था, तो आप बताएंगे अकबर, ठीक है। और जो कलचुरी राजा है तखतपुर को नगर बसाया था, तखत सिंह ने तखतपुर को नगर बसाया था। इसी प्रकार ये क्वेश्चन फिर से आया हुआ है, देखिए पीएससी जीओ ऑफ एजी यानी कि और एडीओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर एडीओ भी आया है, उसके बाद है जियो और सी जी पी एस सी में, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग हॉस्टल वार्डन एसआई भर्ती या फिर सब इंस्पेक्टर और एडीओ जितने भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ये छत्तीसगढ़ का इतिहास का टॉपिक चल रहा है मध्यकालीन से, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया समझो क्लियर, ठीक है। अब मैं दोबारा नहीं बोलने वाला, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा। देखिए बार बार बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, जिसको तैयारी करना है वो खुद वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, ठीक है। चलिए, गोपाल मिश्र का नाम कभी किस कलचुरी राजा के दरबार में था, वो आपका राज सिंह है, ठीक है, राज सिंह। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, रघुनाथ सिंह से क्वेश्चन आता है, तो देखिए किसे अंतिम कलचुरी स्वतंत्र कलचुरी राजा माना गया है, तो आपका देखिए पीएससी व्यापम, देखिए इसको छात्रावास अधीक्षक, यहाँ तक भी छात्रावास अधीक्षक 2016 में आया हुआ है। किसे अंतिम कलचुरी स्वतंत्र कलचुरी राजा माना गया, घुमा कैसे पूछा, देखिए किसे अंतिम कलचुरी स्वतंत्र कलचुरी, देखिए अंतिम भी पूछा जा रहा है फिर स्वतंत्र भी पूछा जा रहा है, यानी कि लास्ट हुआ है और स्वतंत्र भी हुआ है, तो आपका रघुनाथ सिंह आएगा, पीएससी प्री, सीजी व्यापम और छात्रावास अधीक्षक, यह क्वेश्चन आता है और आप लोग रट लें।
रघुनाथ सिंह पर किस मराठा सेनापति ने हमला किया? तो ये आपका आ जाएगा भास्कर पंत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट ले, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रघुनाथ सिंह पर किस मराठा सेनापति ने हमला किया? तो ये भास्कर पंत है। आप देखिए रायपुर कलचुरी वंश है ना, इतना बहुत ही देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में। रट लो दोस्तों, रट लो रट लो। लाहौरी कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? सीजी पीएससी प्री में, व्यापम में, डीओ, हाई कोर्ट, जितने भी व्यापम पीएससी में आया हुआ है। तो लाहौरी कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? लाहौरी कलचुरी वंश की स्थापना सीजी पीएससी, व्यापम, हाई कोर्ट में आया हुआ है। इसको रट ले, केशव देव ने, लाहौरी कलचुरी वंश की स्थापना केशव देव ने किया है। किसने? केशव देव ने। लाहौरी कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी क्या थी? तो आपको खल्लारी। लाहौरी कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी क्या थी? सी जी पी एस सी और ए जी, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन, इसको रट ले दोस्तों, बिल्कुल आएगा, अगर आएगा, अगर आएगा मतलब आएगा, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर, जितना हो सके पढ़ो वीडियो को, ठीक है, वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देखो, एक बार में याद नहीं होता, दोबारा देखो, उसमें क्या दिक्कत है ना, दोबारा देखो, रट लो। लाहौरी कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी खल्लारी थी। उसी पर लाहौरी कलचुरी वंश के किस राजा को 18 गढ़ों को विजेता कहा गया है? देखिए सिंघन देव है ना। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी के ले रहा हूँ, ये पीएससी या फिर सीजी व्यापम में पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल पढ़ लीजिए दोस्तों, पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ से आपके अगर क्वेश्चन नहीं आता, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, वीडियो को क्या करूंगा, नहीं बनाऊंगा दोबारा, ठीक है। लाहौरी कलचुरी वंश के किस राजा को 18 गढ़ों का विजेता कहा गया? सिंघन देव को। उसी प्रकार लाहौरी कलचुरी वंश के किस राजा ने रायपुर की स्थापना की थी? रामचंद्र देव ने। सी जी पी एस सी और ए बी ओ में आया है। उसी प्रकार लाहौरी कलचुरी वंश के किस राजा ने या किस राणा ने रायपुर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मदेव। और देखिए कई बार एग्जाम में आया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए खल्लारी में खल्लारी देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपका देवपाल मोची है। सीजी व्यापम में अमीन पटवारी में आया है, छात्रावास अधीक्षक में आया है, ठीक है। इसके बाद है लाहौरी कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी है ना। उसी प्रकार देखिए लाहौरी कलचुरी वंश के राजाओं में अपने प्रशासन को किस में विभाजित किया? सी जी पी एस सी ए डी ओ में, ठीक है। उसी पर एक गढ़ में कितने गांव होते हैं? एक गढ़ में 84 गांव होते हैं। कितने? 84। तो आप बताइएगा तीन गढ़ में कितने गांव हो सकते हैं? जब एक गढ़ में कितने गांव हो रहे हैं, बोल रहा है यहाँ पर 84 आंसर लिया हुआ है सी जी व्यापम ए डी ओ ने और अमीन पटवारी ने। उसी प्रकार एक गढ़ में कितने गांव होते हैं? 84। उसी प्रकार आपको बता रहा हूँ तीन गढ़ मिलाकर कितने होंगे। चलिए एक गढ़ में आपका 84 हो रहा है, तो उसी प्रकार तीन गढ़ में कितना होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिएगा। तीन गढ़ में ऐसा करो ना भाई, 84 गुणा तीन कर दो, आंसर आ जाएगा। कितने लोगों का आंसर आ गया है? 84 × 3, 4 × 3 = 12 का 2, हासिल 1, और 8 × 3 = 24 = 25, यानी कि 252। यानी कि एक गढ़ में 84 होता है, तो उसी प्रकार तीन गढ़ में आपका 252 होगा, यानी कि 252। गढ़ के प्रमुख को क्या कहा जाता है? दाऊ। ग्राम के मुखिया यानी कि ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? गोटिया। उसी प्रकार एक गढ़ के कितने बाहरों में होते हैं? 7। उसी प्रकार लाहौरी कलचुरी वंश का अंतिम राजा किसे माना गया है? तो आपका अमर सिंह, ये भी व्यापम और अमीन पटवारी में आया है। उसी प्रकार लाहौरी कलचुरी वंश के प्रतुक मंत्री यानी कि प्रतुक मंत्री को क्या कहा जाता है? महामात्य कहा जाता है। लाहौरी कलचुरी वंश के राजा के रक्षक को क्या कहा जाता है? महाप्रतिहार कहा जाता है। लाहौरी कलचुरी वंश के न्यायाधीश अधिकारी को दांडिक कहा जाता है। उसी प्रकार कलचुरी वंश के महाप्रभु वल्लभाचार्य के लिए कहाँ दुधारी मठ को बनवाया था? रायपुर में। दुधारी मठ कहाँ प्रसिद्ध है? रायपुर के लिए, व्यापम में, डीओ और AG3 में आया है। अब हम देखेंगे फणी नागवंश से संबंधित, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में फणी नागवंश का संस्थापक कौन है? तो आपका अहिराज है। ये अहिराज CGPSC ABO और GO में आया है। अब फणी नागवंश से देख रहे हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन लाया रहा हूँ, जितने भी, ये सब एग्ज़ाम में आया हुआ है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, कम से कम 2 से 3 बार एग्ज़ाम में आया है,
और रट लो, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। फणी नागवंश ने अपनी सत्ता कहाँ स्थापित की? तो फणी ने अपनी कवर्धा। उसी प्रकार फणी नागवंश किस राजा ने भोरमदेव के मंदिर का निर्माण करवाया? तो गोपाल देव, सीजीपीएससी प्री एसआई ऑफ और सीजीपीएससी अमीन अपटीरी में पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ लो। भोरमदेव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भोरमदेव को आदिवासियों का देवता के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार फणी नागवंश के किस राजा ने मड़वा महल का निर्माण किया था? मड़वा महल, ये देखिए मड़वा महल किसने निर्माण किया? रामचंद्र देव ने। उसी प्रकार मड़वा महल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दुल्हा देव। मड़वा महल को दुल्हा देव, देखिए व्यापा में और अमीन पटवारी में, इसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ, आप तैयारी कर लीजिएगा व्यापम की या फिर पीएससी की, दोनों को क्लास करते जाइएगा। 90% गारंटी है मेरा, वीडियो को लास्ट तक देखो कंप्लीट कोर्स के साथ। इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं तो फणी नागवंश के अंतिम राजा को कौन माना जाता है? मोनिंगदेव। अब चलिए फणी नागवंश से संबंधित प्रश्न पढ़ें, अब कांकेर के सोमवंश से पढ़ेंगे। मैं एक ही क्लास में पूरा चैप्टर क्लियर करने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा। जिनको तैयारी करना है या सिलेक्शन लेना है, ठीक है, जिसको तैयारी करना है या फिर सिलेक्शन लेना है, वही वीडियो को लास्ट तक देखेगा और कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर लेगा और तैयारी अच्छे से करेगा, वही सिलेक्शन लेगा, ठीक है। कांकेर के सोमवंश यानी कि विनाश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। सोमविन का स्थापना किसने की थी? सिंहराज ने। देखिए कौन कौन से क्लास किए अभी? फणी नागवंश से संबंधित किए, उसी प्रकार सोमवंश से किए, उसी प्रकार कलचूरी से किए, उसके बाद लाहौरी शाखा से किए, है ना। कितने क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, एक ही वीडियो पूरा चैप्टर क्लियर, ये सभी पढ़ लो, सभी को पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा आपका, पीएससी भी क्लियर हो जाएगा और व्यापम भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिंहराज के बाद इस वंश के प्रसिद्ध राजा है व्याघराज। सिंहराज के बाद व्याघराज। वोपदेव का संबंध किससे था? सोमवंश से। वोपदेव का सोमवंश, ठीक है, किससे संबंधित? सोमवंश रख लो। सोमवंश के अंतिम राजा को कौन माना गया था? भानुदेव। अब पढ़ेंगे किससे? छिंदक नागवंश से, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम छिंदक नागवंश से। फणी नागवंश पढ़ लिए, लहोरी शाखा पढ़ लिए, उसके बाद कलचूरी भी पढ़ लिए, उसके बाद सोमवाला पढ़ लिए, सोमवंश पढ़ लिए, ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब देख रहे हैं छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश की सत्ता कहाँ है? बस्तर में। छिंदक नागवंश की स्थापना किसने की? निपति भूषण ने। एस जी बस प्री ए जी अर्जियो, ये इतना एग्जाम में आ रहा है, मतलब समझो आएगा ही क्वेश्चन में। इसके बाद छिंदक नागवंश के राजा की उपाधि कौन धारण करते थे? भोगवती पूर्वेश्वर, ठीक है। अब निपति भूषण कौन है? छिंदक नागवंश के जो स्थापित किए हैं, तो अभिलेख में लिखा क्या है? एरन कोट लिखा है, व्यापम और अमीन पटवारी और डीटीओ यानी कि डीईओ मतलब होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब बताइए कि बारसूर के तालाब और शिव मंदिर का निर्माण किस राजा के समय में हुआ था? करवाया था नहीं, पूरा समय पूछा गया, धारवार वर्ष के समय में। अब बताइए कि सोमेश्वर देव को किस कलचूरी राजा ने हराया था? अभी हम पढ़े हैं जाजल्यदेव, ठीक है। देखिए 90 लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो रहा है, मतलब तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। छिंदक नागवंश के अंतिम राजा कौन माने जाते हैं? हरिश्चंद्र। देखिए बहुत लोगों का आंसर फटाफट आ रहा है, फटाफट हरिश्चंद्र देव। उसी प्रकार है बारसूर का मामा भांजा का मंदिर छिंदक नागवंश पर किसने हमला के समाप्त किया? अन्नम देव ने, ठीक है। पूरा एक ही क्लास में चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। काकती वंश है, अब देखेंगे काकती वंश है, हाँ बिल्कुल, पीएससी और व्यापम ये दोनों ही क्लास हमारे चैनल पर पढ़ती है, हाँ बिल्कुल, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को डाउनलोड कर लो, है ना, वीडियो को डाउनलोड कर लो, पूरा देख लो, एक बार नहीं तो दो बार देख लो, लेकिन अच्छे से रट लो। चलिए काकतीय वंश से देखेंगे क्वेश्चन। अब काकतीय वंश में काकतीय वंश की स्थापना किसने की थी? अन्नम देव ने, वे भी पीएससी और एबीओ में आया है। उसी प्रकार काकतीय वंश की प्राथमिक राजधानी क्या है? मंदोदा। अब देखिए यहाँ पर अन्नम देव ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? ये दंतेश्वरी देवी। अमीन पटवारी डीओ में आया है। किसे चालकी वंश का राजा कहा गया? अन्नम देव ने। दंतेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है? दंतेवाड़ा में। दंतेश्वरी मंदिर या दंतेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है? दंतेवाड़ा।
अन्नम देव के बाद इस वंश के राजा कौन बने? पुरुषोत्तम देव। अन्नम देव के बाद इस वंश के राजा पुरुषोत्तम देव बने। सीजी व्यापम, डाटा एंटी ऑपरेटर, ग्रेट थ्री। उसी प्रकार किसने छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्वत की शुरुआत की? वो भी पुरुषोत्तम देव ने है, ठीक है। किसे रथपति की उपाधि मिली है? रथपति पुरुषोत्तम देव। ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं पीएससी और व्यापम में आया है। यानी कि आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करें, चाहे एसआई भर्ती की तैयारी करें, या डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी करें, या फिर पीएससी प्री एग्ज़ाम की तैयारी करें, या फिर सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगर पीएससी के अंदर आ रहा है ना, अगर आपका पीएससी के अंदर जो भी वैकेंसी आता है या व्यापम के अंदर जो भी वैकेंसी आता है, ये दोनों ही क्लास हमारे चैनल पर कराई जा रही है। 20 नवंबर से बिल्कुल क्लास प्रारंभ कर दी गई है। 20 नवंबर से पूरा क्लास अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाइएगा, पूरा क्लास आप देख लें, पूरा क्लास कंटिन्यू कर लें। ऐसा है क्वेश्चन आपका कि आप सिलेक्शन ले लेंगे, है ना। जो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइएगा जल्दी से सब्सक्राइब करें वीडियो को। मैं देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते फिर पूछते हैं बाद में कि सर आपका चैनल नहीं आ रहा है मेरे पर, या फिर नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिला है, ऐसा कमेंट करके पूछते हैं। तो ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। हाँ, मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, जो लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे या फिर वीडियो को लाइक किए रहेंगे ना, उसी को मैं अब नोटिफिकेशन भेजूँगा। मैं देखिए मैं फ्री क्लास करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वीडियो को नहीं देखोगे, वीडियो को देखोगे और सिलेक्शन लोगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू बोल रहे हैं, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, अच्छे से तैयारी करो। हाँ, दलपत देव। चलिए अब दलपत देव से देखते हैं, किस काकी राजा नीलू पंत ने हमला किया था? दलपत देव ने। देखिए अब नीलू पंत पर किसने हमला किया था? दलपत देव ने किया था। अब किस काकती राजा को क्रांति का मसीहा कहा जाता है? अजमेर सिंह, है ना। मैं बार बार नहीं बताऊंगा जितने भी क्वेश्चन आया है। काकती राजा ने अजमेर सिंह के विरुद्ध षड्यंत्र किया? दरिया देव के। आप देखिए कोट पाठ की संधि किस समय हुई थी? दरिया देव के शासनकाल में हुई थी, जो कोट पाठ की संधि हुई थी, है ना। कोट पाठ की संधि कब हुई थी? चलिए सन बताइए आप, कौन सा सन है कोट पाठ की संधि कौन सी हुई है, सन में बताइए कौन सा है। हाँ कौन सा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मराठों को टकोली देने स्वीकार किसने किया था? महापाल देव ने। अंग्रेजों के अधीन अंतिम काकती राजा भैरव देव है, पीएससी एजी में आया है। आप किसने छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी रानी चोरीस को कहा जाता है। कलचुरी राजवंश का अंतिम राजा कौन है? प्रवीण चंद्र। और प्रवीण चंद्र का देखिए 1966 में है, गोलीकांड में हुई थी। आप पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के परिचय, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों का परिचय, है नहीं तो छत्तीसगढ़ में इस प्रदेश में थे, छत्तीसगढ़ माने जाते हैं। गढ़ों का विभाजन किस नदी के आधार पर किया गया है? शिवनाथ नदी। मनित नाम का गढ़ वर्तमान किस जिले का हिस्सा है? तो आपको कोरबा आ जाएगा, ठीक है। लाफागढ़ किस जिले में है? कोरबा में। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील कौन सा है? पौड़ी उपरोड़ा, ये एग्जाम में आया है, इसको रट ले, रट ले। हाँ बिल्कुल रट ले, रट ले। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील कौन सा है? पौड़ी उपरोड़ा। एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट है क्लियर। मदनपुर किस जिले का हिस्सा है? ये आप, ये नहीं आया था, ठीक है, वो गलती से क्वेश्चन बन गया है। मदनपुर किस जिले का हिस्सा है? जांजगीर चांपा। मदनपुर, जांजगीर। मदनपुर को वर्तमान किस जिले के नाम से जाना जाता है? चांपा, है ना। और करकटी कंडारी नाम किस है? अनूपपुर में, ठीक है। वो मेरागढ़ के किस जिले का हिस्सा है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ लो। लेकिन भारत की आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ का किसका हिस्सा था? ये आपका सेंट्रल प्रोविंसिंग और बरार के लिए। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो आपका बस्तर, पीएससी में आया हुआ है, बस्तर है। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत शक्ति, इसको नोट कर ले। एक कमेंट बार बार कर रहे हैं कि सर ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ करके, तो देखिए आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे इसीलिए आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। हाँ ज्वाइन कैसे करें? तो देखिए ज्वाइन कैसे करना आपको सरल तरीका बताएं, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, आप ज्वाइन खुद ब खुद हो जाओगे, ठीक है। चलिए क्या आएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? बस्तर। और छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत शक्ति क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत बस्तर कौन सी दिशा में है? दिशा बताइए कौन सी दिशा में है? दक्षिण, बिल्कुल सही। तो आप ये बताइए, आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि ये छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत शक्ति है, हाँ कौन सी दिशा में, कौन से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जल्दी कमेंट करके बताइए। हाँ
छत्तीसगढ़ की कौन सी रियासत भारत का सबसे पहले विलय हुआ था? रायगढ़। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे पार्ट फोर में, बहुत टाइम हो गया है, अब कंप्यूटर की क्लास भी होनी है ना। हाँ, गणित की क्लास हो चुकी है और कंप्यूटर की क्लास अभी नेक्स्ट होने वाला है, इसलिए यहीं पर वीडियो को स्थगित करते हैं। पार्ट फोर वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख स्थानों के प्राचीन नाम। ठीक है, धमतरी का प्राचीन नाम धमतरई है, उसी पर बस्तर का प्राचीन नाम चक्रकोट भ्रमरकोट भी कहते हैं। ठीक है, ये हम कल देखेंगे पार्ट फोर में, एक ही क्लास में करवा देना था, लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ समय हो गया है, 8 बजने को है। ठीक है, 1 घंटे का क्लास रहता है, तो मैं आप सभी को पार्ट फोर वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। यहाँ तक देखिए पार्ट वन वीडियो, पार्ट टू वीडियो को आप देख लो। ठीक है, फिर तीनों क्लास कर लो, मैं आपको टेस्ट लेने वाला हूँ, तीनों क्लास कर लो, टेस्ट लूँगा। और देखिए जो हॉस्टल वाले की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइएगा और साथ ही अपना नाम बताइएगा कि जो लोग हॉस्टल वाले की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, हॉस्टल वाले की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं या पीएससी की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम कमेंट में बताइएगा और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा जल्दी से बताइए। सुपर इंटरेस्टिंग या फिर एक्सीलेंट या फिर हेल्पफुल, कैसा लगा जल्दी से बताइए कमेंट में। हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बताइए, सुपर एक्सीलेंट, हाँ जल्दी बताइए क्या है। हाँ, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं ले रहा है, फ्री क्लास है, पैड नाउ, नो आई लॉक आउट, नाउ दिस नो पैड। ठीक, ओके, आज की क्लास यहीं स्थगित करते हैं और कल पार्ट फोर में आपको छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख स्थानों के नाम और इतिहास के कुछ क्वेश्चन बचा था उस दिन, वो भी कंप्लीट करा दूंगा, मिक्सिंग क्लास करा दूंगा, हो जाएगा फिर। हाँ, और क्या बोलते हैं, प्राचीन इतिहास से मैं क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, अभी ढूंढना पड़ेगा, मतलब उसको सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तब मैं आपके लिए बनाऊँगा। भारत का सामान्य ज्ञान की बात भारत करें तो भारत का सामान्य ज्ञान अभी क्लास नहीं होगी, कम से कम आपको अगले हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा। हम अभी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की क्लास। ठीक है, वहाँ सबको 20 से 25 नंबर पूछता है व्यापम पीएससी में, छत्तीसगढ़ की जो क्लास है, इसीलिए हम पहले छत्तीसगढ़ का पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद भारत का देखेंगे। हम पहले छत्तीसगढ़ का पहले कंप्लीट कर लेते हैं ना, पहले वीडियो को लास्ट तक देख लो फिर भारत का करेंगे। आप तो क्लास करते नहीं हो, क्या नाम है इसका, नाम नहीं बता रहे, क्या है ऐसी कुछ डाल दे रहे हो, आपने अभी क्लास शुरू नहीं किया है और कमेंट स्टार्ट कर रहे हो कि कंप्यूटर कंप्यूटर, पहले इसको तो रट लो, ये क्वेश्चन लाया हूँ इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास से, उसको रट लो, फिर आप कंप्यूटर की तैयारी करना। हाँ चलिए, आज की क्लास यहीं, ओके, बाय बाय, बाय बाय स्टूडेंट, बाय बाय। चलिए ये हम देखेंगे पार्ट फोर में, हम पार्ट थ्री क्लास करा चुके हैं, पार्ट वन और पार्ट टू डिस्क्रिप्शन के नीचे है, जाओ।